आज की वीडियो में बात करेंगे इस SNC, तो इस कंपनी के अंडर जो कंपनी आती है एटकाइंस, उस कंपनी में जॉब रहने वाली है। तो आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने जॉब ही निकाली हुई है जो कि रहने वाली है इस ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखा दूँ यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने। यहाँ पे पहले आपको लोकेशन बता देता हूँ, लोकेशन है बैंगलोर, और अप्लाई का ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो अप्लाई भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे हम आएंगे, यहाँ पे आप देखते हो इसके बारे में, कंपनी के बारे में लिखा है, और यहाँ पे लिखा है ड्यू टू अवर कंटिन्यूइंग एक्सपेंशन वी करंटली हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर, ग्रेजुएट हाईवे इंजीनियर। तो ये आपको पहले बता दें सिविल इंजीनियर के लिए जॉब है ये वाली। इसको मैं नीचे करके भी दिखाता हूँ, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ नीचे आ चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे देखते हो व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट एसेंशियल्स, यहाँ पे जो एसेंशियल है आपके होने आपके पास होना ही चाहिए, क्वालिफाइड डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए गाइस, फ्रॉम अ रिप्यूटेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट, ये आपके पास होना चाहिए। गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अप्लाई करते हो गए सिविल वाले अप्लाई कर लेना, जितने भी गए आपके दोस्त हैं सिविल वाले उनको वीडियो शेयर जरूर शेयर कर देना, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे अगर चाहते हो गए आप शेयर करना। तो यहाँ पे देखते हैं डिजायरेबल, तो कौन कौन किसके लिए डिजायरेबल रहने वाली है। अगर कोई होल्ड मास्टर डिग्री इन रेगुलर डिसिप्लिन, तो अगर वो जो मास्टर डिग्री कर रहा है या उनके पास मास्टर डिग्री है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उनके लिए डिजायरेबल रहने वाला है। तो वैसे असेंशियल ये तो आपके पास होना ही चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होनी ही चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे जैसे मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे सक्सेसफुल कैंडिडेट विल नीड टू, तो ये गाइस आप देख सकते हो, ये बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस कुछ आपको यहाँ पे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, यहाँ पे ग्रुप इंश्योरेंस, कम्पिटेटिव सैलरी, एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम। तो आपको बता दूंगा गाइस मैं इनकी सैलरी कितनी रहती है, मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, जॉब लिंक के नीचे आपको दे दूंगा वो भी मैं, कितने कितने सैलरी किस किस टाइटल के लिए रहती है इनकी। इसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई का। अगर आप चाहते हो इस कंपनी में और जॉब देखना तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप अगर आप चाहते हो कैसे निकालने, तो यहाँ पे अर्ली कैरियर का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपके पास, ये ऑप्शन आ जाएंगे सर्च जॉब का। तो यहाँ पे सिंपली सर्च का ऑप्शन बना है, इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो गाइस इनकी सारी जॉब्स ही आ जाएंगी। और लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एशिया पे गाइस प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करेंगे, और अप्लाई फिल्टर लगा के इंडिया की सारी जॉब आ जाएंगी, जो कि गाइस 78 जॉब्स हैं इंडिया की टोटल, तो 78 जॉब्स आ चुकी हैं। तो ये गाइस आप खुद भी आप इसे चेक कर सकते हो कौन कौन सी जॉब्स हैं यहाँ पे, तो बहुत जॉब तो गाइस बहुत सारे रहने वाली है यहाँ पे, अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियर विद रिवेट स्किल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद रिवेट स्किल, बैंगलोर लोकेशन है, परमानेंट जॉब्स हैं। तो आप उसमें आप अपने हिसाब से भी चेक करके निकाल सकते हो। यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर की है, ये तो फ्रेशर है गाइस, मैंने आपको अभी बताई। तो बाकी भी ग्रेजुएट इंजीनियर की जॉब्स हैं यहाँ पे, वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जिससे मैं नीचे आ चुका हूँ, हाईवे इंजीनियर की है, असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर की है, तो बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे, ग्रुप इंजीनियर, ग्रुप इंजीनियर हाईवे की है, और इसके बाद रिवेट सर्चर डिजाइनर की जॉब है, यहाँ पे इंजीनियर इलेक्ट्रिकल रेल सेक्टर की जॉब है, ग्रुप इंजीनियर की जॉब है, HV केबल डिजाइन इलेक्ट्रिकल की जॉब है। तो ऐसे बहुत सारी जॉब्स हैं, 78 जॉब्स हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो बाकी जो वीडियोज आएंगी उनकी नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइज।